और की रिपोर्ट, सारंगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। और जांजगीर चांपा जिले के जिला पंचायत सदस्यों ने सीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाराज जिला पंचायत सदस्यों ने सीओ के कार्यप्रणाली की शिकायत कलेक्टर से करते हुए कहा कि अगर सीओ जल्द अपनी कार्यप्रणाली नहीं सुधारता है तो जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत में तालाबंदी करेंगे। जांजगीर चांपा जिले के जिला पंचायत सदस्यों ने सीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाराज जिला पंचायत सदस्यों ने सीओ के कार्यप्रणाली की शिकायत कलेक्टर से करते हुए कहा कि अगर जल्द सीओ की कार्यप्रणाली नहीं सुधरेगी तो जिला पंचायत में तालाबंदी करेंगे। दरअसल जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक थी, जो कि सदस्यों के क्षेत्र विकास के लिहाज से काफी अहम माना जाता है, मगर इस अहम बैठक के तय समय पर जिला पंचायत सीओ सदस्यों को बिना जानकारी दिए कलेक्टोरेट आ गए, जिनका काफी समय तक इंतजार करने के बाद नाराज सदस्य कलेक्टर नीरज बंसोड़ के पास पहुंच गए और सीओ पर मनमानी और जन प्रतिनिधियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। जिला पंचायत सदस्यों के मुताबिक यह पहला वाक्य नहीं है जब उनके साथ जिला पंचायत सीओ ने ऐसा व्यवहार किया हो। सीओ उनके साथ बार बार द्वयम दर्जे का व्यवहार करते हैं। जिला पंचायत सदस्यों ने कलेक्टर से कहा कि अब शीघ्र ही सीओ के कार्य प्रणाली में सुधार नहीं हुआ तो वे जिला पंचायत में तालाबंदी को मजबूर हो जाएंगे। इस मसले पर कलेक्टर नीरज बंसोड़ ने सदस्यों को शीघ्र पहल का आश्वासन तो दिया, मगर मीडिया के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आज हम लोग जिला पंचायत सीओ के खिलाफ कलेक्टर साहब से शिकायत करने आए थे कि आज हम लोगों का सामान्य सभा का बैठक था, बिना जानकारी के हमको बिना बताए स्थगित करके जिला यहाँ कलेक्टर ऑफिस आ गए हमारे सीओ साहब। उनके खिलाफ हमने कलेक्टर साहब शिकायत करने आए थे। आज हम पूरा हमारे अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जिला पंचायत के सारे 14-15 मेंबर, हमें कलेक्टर द्वारा आश्वासन मिला है कि 10 दिन का मोहलत हमको दिया जाए, उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप लोग जो करना है कर लीजिएगा, ऐसा उनसे द्वारा आश्वासन दिया गया। आज हमने तालाबंदी का साहब को दिया है, वो क्या बोलते हैं, पत्र दिया है। साहब का कहना है 10 दिन समय दीजिए, अभी मत कराइए, अगर 10 दिन में कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं बनता है तो फिर आप लोग कर लीजिएगा जो करना है आप लोगों। हम 10 दिन बाद अगर साहब उनकी ऐसी नहीं बदलेगी उनकी वो, फिर हम तालाबंदी करेंगे 20 तारीख के बाद। गुंडागर्दी चल रही है, हम लोग भी सोच के इस बात को चल रहे हैं कि हमारे ऊपर भी FIR करने के करेंगे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। जनप्रतिनिधियों के ऊपर ऐसा करेंगे तो फिर अब आगे देखेंगे। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके कार्य प्रणाली से हमको बिल्कुल संतुष्टि नहीं है। हम लोग भी 50-60 हज़ार जनता के बीच से चुन के आए हैं और निश्चित रूप से हमें भी कुछ ना कुछ क्वालिटी रही होगी, कुछ ना कुछ अच्छाई रही होगी, तब इतने लोगों ने हमको चुना है। और जब भी किसी गांव में जाते हैं तो हर गांव में कुछ ना कुछ समस्या है, अपनी समस्या हमको लोग बताते हैं, लेकिन अपनी समस्या हम लोग यहाँ लेके आते हैं तो नियम कायदा का हवाला देके बिल्कुल हमको वहाँ से विदा कर दिया जाता है। तो आज हम लोग अपनी पीड़ा को बताने के लिए आदरणीय जिलाधीश महोदय से मिले और वो बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान निकल जाएगा हमको आश्वासन दिए हैं। नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा कार्य जिसको हम लोग करना चाहते नहीं हैं वो काम करने के लिए हम लोग समस्त अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, समस्त सभापति और समस्त सम्माननीय सदस्य लोग मजबूर होंगे, बस यही अपनी समस्या लेके आए थे। जांजगीर से उमेश जसवाल की रिपोर्ट, सारंगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। और जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत